नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखिए हमारे पास ये शैम्पू की मेरी ये बोतलें हैं जो मैंने खाली हो गई थी और मैंने बाहर कबाड़ में रखा था, तो वहीं से मैं निकाल के लेके आई हूँ। और आज मैं ये देखिए, और यहाँ पर मेरी ये डिटॉल की शीशी है, ये देखिए। तो ये इनका क्या बनाने वाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पिंक कलर का है, ये देखिए। और कलर इसमें मैं करूँगी नहीं, पिंक कलर है। तो अब इसका रैपर जो है इसको भी मैं हटा दूँगी, ये देखिए आराम से ये हट जाता है, ये देखिए इस तरीके से ये निकाल दिया है मैंने। यहीं भी ये दूसरा भी मेरा इस साइड से भी लगा हुआ है, ये देखिए तरीके से मैंने हटा लिया है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे इसमें ड्रॉ करूँगी, मैं क्या बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। वैसे मेरे को आपको पता ही है कि मुझे अच्छे से ड्राइंग नहीं आती है, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है, ये देखिए। पक्षी की तरफ से मैं इसके पंख बनाने वाली हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं यहाँ पे एक चिड़िया बना रही हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैंने इसका बनाया हुआ है ये मुंह। तो ये मैंने इस तरीके से मैंने बना लिया है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसमें, ये देखिए। तो इसको मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। और दूसरी वाली बोतल में भी मैंने कर लिया है दो, तो हमारी दो या कि छोटी छोटी चिड़ियाँ बनने वाली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे किस तरीके से मैं करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा ये है, ये चाकू मैं लेके आई हूँ। पहले मैं थोड़ा सा चाकू से ही काटूंगी। तो हल्का सा छेद कर देती हूँ। और फिर अब कैंची की मदद से मैं इसको कटिंग कर लूंगी। कैंची से ठीक से कट जाता है आराम से। बहुत तो मुश्किल से हो रहा है, कटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं पहले इसको इससे करके ही काट लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ये देखिए। और कटने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास कोई भी कैंची जो है ना मेरी तेज नहीं है, ये देखिए। तो काटने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरीके से काटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे काट काट के। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और ये जो है किचन में मैं चाकू गरम करके ही करूँगी क्योंकि ये हो नहीं रहा बहुत, क्योंकि आपको पता है ये शैम्पू की बोतल बहुत टाइट होती है, तो ये आराम से कट नहीं रहा मुझसे। तो देखती हूँ कि चाकू गरम करके आराम से कट जाता है, तो उससे ही मैं काटूँगी। कोशिश कर रही हूँ चाकू गरम करके काटने की। धीरे धीरे चाकू गरम करके मेरा काम चल रहा है, ये देखिए दिखा रही हूँ आपको। वैसे काटने से चाकू से जल्दी से कट जा रहा है, ये देखिए इतना मेरा कट चुका है। आपको दिखाती हूँ और आगे काट के। तो
बिना गर्म किए चाकू, बिना गर्म किए तो कुछ काम नहीं बन रहा। तो अभी इसको मेरे को आखिरी मैंने चाकू को गर्म करके ही करने का काम किया, क्योंकि वैसे मेरा हो नहीं रहा। तो मैं एक अपने लिए कैंची भी लेके आऊँगी, एक जो तेज धार वाली होती है ना, वो वाली कैंची मैं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कैंची है ना बिल्कुल भी, उनमें धार नहीं है। या तो फिर मैं जो कैंची चाकू तेज करने वाले आते हैं उनसे मैं तेज करवाऊँगी अपना चाकू को, और कैंची दोनों को तेज करवाऊँगी, तब जाके मैं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया है, देखिए ये देखिए कट रहा है ना आसानी से, ये देखिए कट गया है। तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको पूरा काट के, देखिए मेरा इतना तो मेरा कट गया है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको पूरा काटते हुए, अब बहुत टाइम लग रहा है काटने में। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेरा चिड़िया जैसे मेरा बन गया है, ये चिड़िया के पंख हैं ये देखिए, और ये चिड़िया की चोंच है ये देखिए, ये तो ये पंख है, और इसके अंदर हम लगाएंगे पौधा। तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको आगे। तो देखिए इस तरीके से मेरे दोस्तों मेरा ये बना है, ये देखिए चिड़िया, कोई सी भी चिड़िया आप बता सकते हो इसे इस तरीके से। देखिए ये चिड़िया की आंख बनी हुई है, ये चोंच है, और यहाँ से मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ इसको। ये देखिए थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ ना, उसको मैं कैंची से थोड़ा सा हल्का सा काट के आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास मैंने गैस में किया था ना तो अच्छे से सफाई से नहीं बन पाया, तो मैं वही आपको दिखाती हूँ अभी इस तरीके से। ऊबड़ खाबड़ से बनता है ना गैस में, कैंची से तो सफाई से बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है ये। तो यहाँ से ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पंख है इसके, और यहाँ पे हम ये लगाएंगे पौधा, ये पौधा लगाने के लिए है। और यहाँ से मैं ये देखिए चिड़िया बन चुकी है ये, तो मैं पंख दिखाती हूँ आपको चिड़िया के, ये देखिए। तो अच्छे से सफाई से नहीं बना, तो ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इस चोंच को मैं और अच्छी तरीके से रेड कर लूँगी, ये रेड कलर की चोंच हो गई है। ये मार्कर है जो हमारे जो मार्केट में मिल जाते हैं ना, वो ही है, कलर छूटता नहीं है इनका, पक्के होते हैं कलर। इस तरीके से मैंने इसकी रेड कलर की चोंच बना ली है। तो मैं भी अभी हल्का हल्का ये जो मेरी जो बोतलें वोटलें पड़ी हुई हैं जो मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं, उन्हीं को ही मैं ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। देख रही हूँ कि क्या क्या मुझसे बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता, तो वीडियो देख के ही मैं बना रही हूँ। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, अगर हमारे हमारी रेड कलर नेल पेंट जो होते हैं हमारे जो ख़राब हो जाते हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने बना लिया है ये चीज़, और यहाँ पर मैं इसकी आईज़ बना लेती हूँ। ब्लैक कलर की मैंने आईज़ बना ली है, ये देखिए कैसे लग रहा है, ये देखिए देखिए। तो ये पंख भी अजी सफाई से नहीं बने, ये देखिए कैसे बने हुए हैं। तो अभी मैं पौधा लगा के आपको दिखाऊंगी, फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे बना है। तो ये देखिए बना दिया है मैंने, थोड़ी सी तिरछी सी बनी है पर कोई बात नहीं, देखो अभी इस चोंच में मैंने इसमें कोई कलर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, ये देखिए मेरी नेल पेंट है रेड कलर की, तो मैं इसकी चोंच में जो है रेड कलर में करने वाली हूँ ये वाला। तो ये देखिए चोंच बन गई है रेड कलर की, और मार्कर से मैं आंख बनाऊंगी अभी यहाँ पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी वाली चिड़िया भी मेरी बन गई है, ये देखिए
ये मैंने पहले बनाई थी वो वाली चिड़िया है, ये देखिए ये पहले वाली चिड़िया है, और ये मेरी दूसरी मैंने बनाई है, ये वो चिड़िया है। तो ये दोनों चिड़ियाएँ मेरी बन चुकी हैं। तो अब मैं इसकी जो है आउटलाइन कर लूँगी थोड़ी थोड़ी सी, मेरे को यहाँ से आउटलाइन करनी है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप तो ये बन गई है मेरी बड़ी चिड़िया, ये देखिए ये बड़ी वाली चिड़िया है, और ये छोटी सी चिड़िया है, ये जैसे छोटी बड़ी दो चिड़िया बन गई है मेरी, ये देखिए। तो अब मैं इसमें आपको प्लांटर लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं प्लांटर इसमें लगाने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैं लेके चलती हूँ आपको गार्डन में, वहीं पे मैं इसका प्लांटर लगाऊंगी। यहाँ पर आप प्लांट, यहाँ पे जो मैंने चिड़िया बनाई हैं उनके प्लांट लगाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें प्लांट लगाऊंगी अपने, और मैं गार्डन में इस टाइम पे मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ अपने। तो इस टाइम पे अब मैं आपको दिखाती हूँ, और दोनों में मैंने देखिए इसमें होल कर लिए हैं पानी निकलने के लिए, और ये अब मैं इसमें आपको प्लांट लगा के दिखाती हूँ इस तरीके से। और जिनकी जड़ें छोटी छोटी होती है ना, वही प्लांट इसमें लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पर देखिए जेड प्लांट मैंने बहुत सारे मेरे रखे हुए हैं, ये देखिए मैं छोटी 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 जितनी भी कटिंग होती है सारी मैं जेड प्लांट की कटिंगें लगा ग्रो कर देती हूँ। तो देखिए अब मेरे सारे जेड प्लांट जो हैं इतने अच्छे हो गए हैं यहाँ पर, ये देखिए सारी मैंने ये कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। ये देखिए कटिंग जितनी भी मेरी निकलती है मैं उनको लगाती रहती हूँ, तो मेरा पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए सारे मेरे जेड प्लांट का मैंने छोटी छोटी कटिंग है सारी मैंने ऐसे ही लगा रखी है। तो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ जेड प्लांट की कटिंग को। जैसे मैं ये निकाल लूँगी अपने जेड प्लांट मैंने लगा के रखा हुआ है जिसमें, यहीं से ये देखिए इसमें छोटी छोटी अभी जड़ें बनने लग गई हैं क्योंकि मैंने ये अभी लगाया था। ये देखिए छोटी छोटी जड़ें बन गई हैं इनमें। तो यहाँ पे मैं इसमें मिट्टी भर लूँगी यहाँ से, और बहुत छोटा है मेरी छोटी वाली ये शैम्पू की बोतल थी ना उसी से मैं बनाया, तो इसमें बहुत कम मिट्टी आएगी। ये देखिए मैं मिट्टी भर ली है, और मिट्टी तो मेरी बनी हुई है, ये इसमें खाद मिली हुई है, गोबर खाद मिला हुआ है। ये देखिए इससे मैंने मिट्टी भर ली है, और यहाँ पर भी ये मैं ये बड़ी वाली शैम्पू की बोतल है, थोड़ी दूसरी वाली से थोड़ी बड़ी है ये। तो ये मैंने ये यहाँ पर मिट्टी इनमें भर ली है, ये देखिए दोनों में मिट्टी भर ली। अब यहाँ पर जो है ये जेड प्लांट जो लगाने वाली हूँ मैं पहले, इसमें हल्की सी मिट्टी मैं गीली कर लेती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे जो हमारे शैम्पू की हमारी बोतलें निकलती है ना, उनको ऐसे फेंके ना, और ऐसे छोटे छोटे प्लांटर बना लें जिसमें हमारी छोटी छोटी जो है जेड प्लांट की आराम से हमारी कटिंग लग जाती हैं। तो ये देखिए हमारी जेड प्लांट की इसमें कटिंग लग गई इस तरीके से, मिट्टी हमने गीली कर रखी तो आसानी से लग जाएगा फिर। ये देखिए एक कटिंग हमारी लग गई है, और दूसरी हमारी इसमें इसमें मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा कैसा पौधा मेरा लग रहा है, दो कटिंग मेरी लग चुकी हैं यहाँ पे, और मैं इनको यहीं पे लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है मेरा बना हुआ, तो मैं सामने पे ही आपको तो मैं यहाँ पे ही आपको रख के ऐसे दिखाऊंगी, क्यों यहीं पे मैं रखूंगी इस जगह में यहाँ पर, और यहाँ पर सपोर्ट के लिए मेरी ये तार लगी हुई है, तो इससे नीचे भी नहीं गिरेंगे मेरे ये पौधे इस तरीके से। और देखिए मेरे ये तैयार हो गए, और यहाँ पे मेरे हिलते डुलते मेरे ये प्लांटर भी मेरे यहीं पे रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए दो यहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी चिड़िया बनी है छोटी और बड़ी, वो दोनों मैंने जेड प्लांट से लगा दिए हैं इनमें। ये देखिए जेड प्लांट लगा दिए हैं इनमें, और ये देखिए चिड़िया हमारी ऐसे लग रही है जैसे हमारी कहीं मुंडेर में बैठी हैं, चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। ये देखिए, तो आप बताना कि आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरी वीडियो को। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।